के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि मैनुअल कितना ज्यादा जरूरी है आपके किसी भी स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग जॉब के लिए, चाहे आप प्रीकास्ट में कर रहे हो, चाहे स्टील में कर रहे हो, चाहे आरसीसी में कर रहे हो, कितना ज्यादा रोल है और क्यों है इसका रोल, इसके बारे में वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अगर अच्छा लगेगा तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और इसी तरीके के वीडियोस और ढेर सारे पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Once again, welcome back in my YouTube channel. दोस्तों, मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक सिविलियन, मेक योरसेल्फ यूनिक। दोस्तों, हम सब अभी क्या करते हैं कि हमको जॉब लेनी है तो हमको कई लोग बता देते हैं कि यार स्किल ऐड करोगे, मीन सॉफ्टवेयर सीखोगे तो आपकी जॉब इजीली लग जाएगी। हां जी, वो बिल्कुल सही बोलते हैं, बट आप जब इंटरव्यू में जाते हो तो वहां पर गड़बड़ हो जाता है। क्या गड़बड़ हो जाता है? वो आपको दे देते हैं बीम, बोलते हैं इसको डिजाइन करके दिखाओ। आपको दे देते हैं कॉलम, बोलते हैं इसको डिजाइन करके दिखाओ। आपके दिमाग में आता है कि यार बीम कॉलम क्यों डिजाइन करना, हमने तो सॉफ्टवेयर में सीखा है 2 मिनट के अंदर तो डिजाइन होता है, अब यहां पर चलो 4 पेज का डिजाइन करके दिखाओ इनको। जरूरी क्यों होता है दोस्तों? ये कुछ इसी तरीके से है कि अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं आती है और आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर भी दे दिया जाए तो आप उसको सही तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे। यानी आपने जो डाटा आप कैलकुलेटर में देखा, आप 2+2 किए, गलती से 3 दब गया तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 5। और अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं आता कि 2+2=4 होता है तो आप उस 5 को डाटा मान के डिजाइन करना स्टार्ट कर देंगे, करेक्ट। बट अगर आपको 2+2=4 का कॉन्सेप्ट क्लियर है, 5 आ गया तो आप क्या करोगे, एक बार क्रॉस चेक कर लिया, आपका 1 रुपए बच गया। और अगर सपोज ये 2+2 करोड़ में है, मीन सीआर में है, तो 1 करोड़ बच गया आपका। मीन्स आपके लिए कितना ज्यादा जरूरी है मैनुअल। मैनुअल से हम क्या करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं। मीन्स अभी एक स्टूडेंट थे मेरे और उन्होंने दिल्ली में वो लोग चिमनी डिजाइन कर रहे थे, स्टील स्ट्रक्चर का एंगल सेक्शन लगा रहे थे, स्टैंड में वो फेल दिखा रहा था कॉन्सेप्ट और जब मैनुअल कर रहे थे पास दिखा रहा था। अब वो चाहते थे कंस्ट्रक्शन कर देते बट कंपनी ने बोला कि हमें स्टैंड पे भी पास चाहिए और हमें मैनुअल भी पास चाहिए। उससे क्या होगा कि डाटा मैच करते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है बट मैक्सिमम डाटा मैच करते हैं। इससे सामने वाले को कॉन्फिडेंस रहता है कि जो मेरा स्ट्रक्चर है, जहां मैं पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूं, वो कहीं भी डूबेगा नहीं। और साथ ही साथ क्या होता है कि कभी कभी मैं देखता हूं कि ईटैप में डिजाइन किया और वहां पे कॉलम में उन्होंने 10 mm का, मतलब ईटैप को क्या है, वो तो लोड पे डिजाइन कर देगा, तो 10 mm का अगर बार डाल दिया, मैंने 10 mm का बार डाल दिया कॉलम में। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भाई कॉलम में मिनिमम डाया बार 12 mm यूज करते हैं, तुरंत आप उसको रिप्लेस कर सकते हो, मीन्स एडिट कर सकते हो, करेक्ट। आपने स्पेसिंग देखा, कभी गलती से 80 दे दिया। अब आपको पता है कि मिनिमम लैपिंग कितना, स्पेसिंग सी, स्पेसिंग जो है अगर मिनिमम जो है वो 100 mm होनी चाहिए। आपको अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप फटाफट इसको एडिट कर लोगे, बट ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है तो फिर कैसे होगा? मीन्स आप रेनफोर्समेंट लगा रहे हो, कभी गलती से 6% या 8% आ गया रेनफोर्समेंट कॉलम में। अगर आपको पता है कि 0.8 to 6% होता है, जिसमें से 6 भी यूज नहीं करते, मैक्सिमम 4% तक यूज करते हैं रेनफोर्समेंट, तो आप क्रॉस चेक करके उसको एडिट कर सकते हो। तो मैनुअल डिजाइन इन द सेंस ऐसा है कि आप क्रिकेट का सिर्फ बॉल खेलना नहीं जानते हो, आप जानते हो कि जो बॉल आ रही है कौन से एंगल से आ रही है, किस एंगल में इसको छोड़ना है, मींस आपको प्रॉपर नॉलेज हो जाता है। इसलिए हर तरह का मैनुअल डिजाइन आप करिए। मैंने पीछे एक बुक भी आपको रिफर किया था बी एल दास की, कई लोगों ने तो मुझे कमेंट करके बोला कि सर सिर्फ डॉक्टर वी एल दास सर की बुक पढ़ने से ही केवल डिजाइन करना हो जाए तो फिर एमटेक क्यों करें? भाई, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एमटेक एक डिग्री है जो हमें लेना होता है, उसकी एक नेसेसिटी है, बट आपको मैनुअल डिजाइन तो कॉन्सेप्ट तो कहीं ना कहीं किसी न किसी बुक से पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ डिग्री से अगर नॉलेज होता तो लोग, कई लोग पीएचडी की भी डिग्री बनवा सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं। इसलिए डिग्री से कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज से होता है। डिग्री एक जस्ट एक एंट्री पास है। आप 5-star होटल में आते हो शादी के लिए, तो शादी में आपके पास अगर कार्ड है कि भाई आपको इनवाइट किया गया, तो आपको एंट्री मिल जाती है, बस वही एंट्री है। अब वहां पे खाना कैसे खाना है, अगर आपको एक्सपीरियंस है तभी खा पाओगे। 5-star होटल में थोड़ा ज्यादा ड्रामा रहता है, आप सब गए होंगे, मैं भी गया था तो मैंने देखा उस ड्रामे को, तो उसके हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ता है। बट वो आपको कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली सीखना पड़ेगा, लोगों को देख के सीखना पड़ेगा, क्योंकि काफी जब अंदर गया मैं तो काफी दब्र पदार्थ मिल रहे थे और मेरा कुछ दवाई वाई से कोई लेना देना नहीं होता, तो मैंने नई चीज देखी कि भाई यहाँ पे तो ये सब भी होता है, मीन्स कॉमन है, मीन्स चाहे बच्चा है या चाहे फादर है, हाई सोसाइटी, अपनी तो मिडिल क्लास फैमिली है भाई,
तो हम लोगों ने मतलब सीखा वहां पे प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। कुल मिला के मैनुअल सीखना जरूरी है, मीन्स प्रैक्टिकल देखना जरूरी है, उससे हमें क्रॉस चेक मिल जाता है कि भाई ये कॉन्सेप्ट सही है और इसमें आपको एक बहुत ही अच्छा मीन्स स्ट्रेंथ मिल जाता है। प्लस आप जब किसी से बात करते हो मैनुअल से, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत ही अच्छे तरीके से इंटरेक्शन कर सकते हो। वो अगर आप बोलते हो कि कॉलम हमको 9x12 का लगाना है तो आप बोल सकते हो, क्यों? क्योंकि आपके पास मैनुअल का नॉलेज है। सो प्लीज मैनुअल जरूर फोकस करिए, इसीलिए मैनुअल हर एक जॉब में मैनुअल की नेसेसिटी होती है, मैनुअल आना ही आना चाहिए। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। सिर्फ मैनुअल पर फोकस है, आप बुक नहीं पढ़े तो बुक पढ़िए, या आपके पास अपने कॉलेज में भी आप तो आपने बुक लिया होगा उसको पढ़िए, आपने नोट्स लिया होगा नोट्स से पढ़िए, लेकिन मैनुअल जरूर पढ़िए किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले। आप बोल रहे सर आप करा दूंगा मैं, हम लोग इतने बार कमेंट कर रहे हैं, हम भी कराने वाले हैं आपको मैनुअल, सिर्फ मैं 10K सब्सक्राइबर का वेट कर रहा हूँ, जिस दिन हुआ मैं उसी दिन स्टार्ट करूंगा। हाँ, एक और रिक्वेस्ट है, जो भी फाइनल ईयर के बच्चे हैं या जो थर्ड ईयर के बच्चे कॉलेज में हैं, प्लीज अपने कॉलेज के बच्चों को बोल दीजिएगा कि आकाश सर है जो सिविल इंजीनियरिंग का इन्फॉर्मेशन देते हैं, सिविल इंजीनियरिंग से जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नॉलेज देते हैं, उनको बताइएगा। और अगर आपके टीचर कोई भी परिचित होंगे तो उनको भी जरूर बताइएगा। अगर आपसे नहीं हो पाता तो प्लीज मुझे मीन्स नहीं हो पाता मतलब अगर आपको लगता है कि सर हमारी सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे तो आप हमें व्हाट्सएप पे उनका नंबर शेयर कर दीजिएगा, हम उनसे अनुरोध कर लेंगे, उनको बताएंगे कि सर आप बच्चों को बोलिए। तो डेफिनेटली एक टीचर अगर देखेंगे कंटेंट उनको अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली बच्चों को शेयर करेंगे और आप सबका भी सहयोग इस तरीके से मिल जाएगा मुझे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।